हेलो फ्रेंड्स, ये है पाइथन इन हिंदी लेसन नंबर 34 और इसमें हम सीखने वाले हैं पाइथन कमेंट्स। ओके, तो दोस्तों पाइथन के अंदर दो टाइप की कमेंट्स है, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। तो ये दोनों कमेंट हम इस लेसन में सीखेंगे। तो कमेंट जनरली यूज होती है आपके प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन देने के लिए। ओके, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो कि ये प्रोग्राम का एम कौन सा है, ये प्रोग्राम किसके लिए बनाया गया है, उस कौन से डेट पे बनाया गया है, उसका वर्जन क्या है। ओके, तो आप कमेंट के थ्रू दे सकते हो, या फिर कोई क्लास बनाते हो, कोई फंक्शन बनाते हो। ओके, तो वो क्या काम करता है वो क्लास या फंक्शन, उसका डिस्क्रिप्शन आप उसके ऊपर लिख सकते हो। ओके, यूजिंग कमेंट। तो जनरली कमेंट जो है वो एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेंट नहीं होती है। ओके, यानी कि कमेंट में आप जो भी कोड लिखते हो वो कोड रन नहीं होता है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है। ओके, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है हैज लेसन 34 पाइथन कमेंट्स। ओके, सिंगल लाइन मल्टी लाइन, तो सिंगल लाइन के लिए हैज यूज होता है पाइथन के अंदर। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैज। ओके, तो हैज के बाद आप जो भी लाइन लिखोगे, ओके, तो वो लाइन जो है वो कमेंट बन जाएगी, यानी कि वो लाइन जो है वो रन नहीं होती है। ओके, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैज वर्जन 1.0, यानी कि ये प्रोग्राम का वर्जन मैंने लिखा हैज डेट। ओके, तो मैं डेट यहाँ पर कोई भी लिख देता हूँ इधर। ओके, 3 and 10 and 2021। ओके, तो इस तरीके से आप कमेंट का यूज करके वर्जन लिख सकते हो, डेट लिख सकते हो, या ऊपर आप एम भी लिख सकते हो कि प्रोग्राम का एम कौन सा है। ओके, इस तरीके से, या फिर कोई फंक्शन आप डिफाइन करते हो, डिफाइन, ओके, एंड डिस्प्ले, इस तरीके से कोई फंक्शन आप लिखते हो, प्रिंट एंड हेलो। ओके, तो फंक्शन के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो कि हैज दिस फंक्शन डिस्प्ले हेलो ऑन स्क्रीन। ओके, यानी कि आप कोई भी फंक्शनलिटी बना रहे हो, फंक्शन बना रहे हो, या कोई भी क्लास बना रहे हो, तो आप कमेंट के थ्रू ऊपर आप लिख सकते हो कि यह फंक्शन या क्लास किसके लिए है। ओके, तो इस तरीके से सिंगल लाइन कमेंट जो है वो यूज होती है, और ये सिंगल लाइन कमेंट आप कहीं पे भी लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ पर हेलो लिखता हूँ, और लाइन के एंड में हैज करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि दिस इज प्रिंट फंक्शन। ओके, तो लाइन के एंड में भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर प्रोग्राम के शुरुआत में भी लिख सकते हैं। तो आप कहीं भी कमेंट का यूज कर सकते हो, कोई भी लाइन का आपको डिस्क्रिप्शन देना हो, यानी कि जिसे पाइथन नहीं आता है वो भी प्रोग्राम देखे तो समझ जाए कि ये जो लाइन है, ये जो कोड है, किसके लिए लिखा है। ओके, तो ये है सिंगल लाइन कॉमेंट, यूजिंग हैज आप सिंगल लाइन कॉमेंट दे सकते हो। ओके, अब देखते हैं दूसरा, मल्टी लाइन कॉमेंट। तो देखो यदि मल्टी लाइन कमेंट देना है तो आपको 3 बार सिंगल कोटेशन करना है। ओके, और यहाँ पे सिंगल लाइन कोटेशन, सिंगल कोटेशन करना है 3 बार, और बीच में आप जो भी लाइन लिखोगे, ओके, वो लाइन जो है वो कमेंट में चली जाएगी। ओके, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो, हाय, ओके, वर्ल्ड। तो ये 3 लाइन मैंने लिखी, हेलो, हाय, वर्ल्ड, यहाँ पे सिंगल कोटेशन किया 3 बार, यहाँ पे 3 बार सिंगल कोटेशन किया। ओके, तो ये मल्टी लाइन कॉमेंट हो गई, और मल्टी लाइन कॉमेंट आप डबल कोटेशन से भी दे सकते हो। ओके, देखो मैं यहाँ पर बाद में लिखता हूँ प्रिंट एंड वर्ल्ड। ओके, तो ये 3 लाइन जो है वो कॉमेंट के अंदर चली जाएगी। ओके, मैं इसको रन करता हूँ, देखो रन करते ही क्या आया, हेलो एंड वर्ल्ड। ओके, ये प्रिंट रन हुआ और ये वर्ल्ड भी रन हो गया, पर बाकी का कोड जो है वो कमेंट में है तो वो रन नहीं होगा। ओके, और मैं यहाँ पर डबल कोटेशन से कमेंट करता हूँ, देखो मल्टी लाइन कमेंट, आप 3 बार डबल कोटेशन भी कर सकते हो। देखो मैंने 3 बार डबल कोटेशन किया, यहाँ पे भी डबल कोटेशन 3 बार किया। ओके, फिर यहाँ पर जो भी आप स्ट्रिंग लिखोगे वो कमेंट में चली जाएगी। ओके, दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, हेलो वर्ल्ड, जो भी आप लिखोगे वो कमेंट में चली जाएगी। तो ये होती है डॉक स्ट्रिंग कमेंट। ओके,
ये जो मल्टी लाइन कॉमेंट है उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट कॉमेंट, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग कॉमेंट, ओके। और ये जो सिंगल लाइन कॉमेंट है वो सिंगल लाइन कॉमेंट है, ओके। तो यहाँ पे भी आप एक एक लाइन को कॉमेंट नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप तीन सिंगल लाइन सिंगल कोटेशन या तीन डबल कोटेशन करके आप कॉमेंट कर सकते हो। तो कॉमेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन देता है, ओके। प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन या फंक्शन का डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, और वो कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, कॉमेंट का कोड। तो आउटपुट में आपको उसका कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, ओके। तो ये है पाइथन के अंदर सिंगल लाइन कॉमेंट एंड मल्टी लाइन कॉमेंट। थैंक यू।